दोस्तों, क्या आप भी एक शॉर्ट वीडियो मेकर हो और आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यूजर्स तक नहीं जा रही है, यानी कि आप अपने यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करते हो लेकिन उसकी जो भी नोटिफिकेशंस होती है वो यूजर्स को नहीं मिलती, जिसके कारण आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। आपको पता होगा कि लाइक सर्च और यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत अंतर है। सर्च करके तो आप वीडियोस को देख सकते हो लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स में सर्च का आइकन नहीं है, तो जो भी है वो रैंडमली आपकी वीडियोस दिखती है। उसमें यदि आपकी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन यूजर्स तक चली जाती है और उसे लोग क्लिक करते हैं तो अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाता है, ठीक है। तो काफी टाइम से यूट्यूब के ऊपर, अभी आपको पता है कि जो शॉर्ट्स है वो बीटा वर्जन में है और अभी कई सारी टेस्टिंग को यूट्यूब अभी तक कर रहा है और उसे अभी तक मोनेटाइजेशन के लिए नहीं लेकर आया। तो मतलब आप ये समझ लो कि शॉर्ट्स की जो एप्लीकेशन यानी शॉर्ट्स के जो सिस्टम है वो अभी बीटा टेस्टिंग में है और अभी रिसर्च कर रहा है यूट्यूब उसके ऊपर बहुत सारी चीजों को लेकर, ठीक है। इसलिए कई बार आप देख रहे हो कि किसी की थंबनेल गायब हो जा रही है, किसी को कोई इश्यूज आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नोटिफिकेशन का इश्यू है आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो और ये 100% वर्क करेगा। मतलब अगर 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो ये 100 के 100 को नोटिफिकेशन ये तरीका आपका भेजेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन आइकन को टच करना मत भूलना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, बेसिकली आप जब वीडियोस को अपलोड करते हो तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप यूट्यूब की एप्लीकेशन को खोलते हो, उसमें शॉर्ट्स के ऑप्शन दिए हैं, सेकंड को यानी कि 15 सेकंड या 60 सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करते हो, उसके बाद आप वीडियो को अपलोड कर देते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती हो रही है कि जब आप यूट्यूब की वीडियोस को अपलोड करते हो तो वो डायरेक्ट पब्लिक कर देते हो। दोस्त, यदि आपने वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक कर दिया है तो इस वक्त जो भी शॉर्ट्स की वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन यूजर्स को नहीं जा रही है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, तो आप सबसे पहले जब वीडियो को अपलोड कर रहे हो यानी कि वीडियो को क्रिएट कर रहे हो तो उसे अनलिस्ट कर दो और उसे ना कि पब्लिक करो ना कि कुछ और, प्राइवेट तो कतई मत करो, अनलिस्ट करके उस वीडियो को पब्लिश कर दो। और जैसे ही वो वीडियो पब्लिश हो जाए तो आप अपने स्टूडियो में जाओ, यानी कि जो यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो यानी कि YT ऐप है आपके मोबाइल फोन में, यानी कि एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, उसमें आप जाओ और उसे एडिट करने के बाद आप जो वहां पे पब्लिक ऑप्शन दिखता है यानी कि अनलिस्ट से हटाकर आप पब्लिक कर दो, और पब्लिक में भी आप प्रीमियर के ऑप्शन को चूज कर दो, यानी कि उस वीडियो को आप प्रीमियर कर दो। तो जैसे ही आप प्रीमियर करोगे दोस्त, आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, जितने यूजर्स होंगे, हर किसी को सेपरेटली नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट पहुंच जाएगा और इसके बाद जो यूजर्स है वो आपकी वीडियो के लिंक को क्लिक करके अपनी यूट्यूब वीडियोज यानी कि आपकी जो शॉर्ट्स वीडियोज है उसे वो देख पाएगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।